तो उठ के कैसे आया? उठ के कैसे आया? हाँ कितनी, और उसका रीजन क्या है? उसको पता है कि जितनी लड़कियां उसने वोट करी है ना वो सारी वापस आ गई। तू देख अब कितनी लगने वाली, बहुत बुरी हो गई। इसकी शक्ल देखी थी, कुत्ते ऐसी हो गई थी उसकी शक्ल, इसने बना दिया। वो लड़कियों ने बनाया है। I'm just really upset at Shravan and I'm upset that I placed my trust in him. उसके पास कोई वजह नहीं थी मुझे और पलक को वोट का आउट करने की। I have lost all respect for him as a human being. I hate Shravan. मुझे लगता है कि श्रवण एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है और उसने जो भी कहा उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। इट वॉज कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ हिम। अरे यार, हाउ कैन यू कमेंट ऑन अ गर्ल्स कैरेक्टर? क्या इसका मतलब संजना, किसी और के बारे में बोलता ना मैं एक बार सोचता भी। तू बोल भी किसके बारे में रहा जो लड़की सबसे सोफिस्टिकेटेड है? अगर बकवास करोगे मार खाओगे, और तुम खाओगे साले, तुम्हारा नंबर लग चुका है। तुम बस उतरो किंग की पोजीशन से और तुम देखो फिर बजने के लायक नहीं रहोगे। सुबह उठते ही हम लोग को स्क्रॉल मिला कि हमें कानपुरा जाना है अपने अगले टास्क के लिए। पहले टाइम देखा था मैंने वो सेटअप सारा का सारा, तब तो मुझे लगा पता नहीं क्या होने वाला है, वहां पे बैल है, वहां पे मटके पड़े हुए। आई वाज श्योर कि आई विल डू इट। मेरे लिए ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज बैनिश हो गए तो खत्म। Splitsvillains! Yes! Welcome to your new competition at Killer MTV Splitsvilla, powered by Carbon Smart, Manforce and Fog. Competition ka naam hai Maruti Suzuki Swift Token of Love. Is competition mein boys hissa lenge, magar sare boys bhi. Competition mein sirf 4 ladke hissa lenge. Aur wo 2 ladke jo hissa nahi lenge, unke naam decide kiye jayenge हमारे क्वीन कंटेंडर्स द्वारा। I was feeling lucky. चलो ठीक है, एक भले क्वीन नहीं बनी, बट एज अ क्वीन कंटेंडर वी आर गेटिंग द पावर ऑफ चूजिंग समबडी जिनको हम सीधा बैनिशमेंट जोन में डालना चाहते हैं। सो स्कारलेट एंड प्रियंका, आर यू गाइस रेडी? माय नेम वुड गो फॉर अभिषेक बिकॉज ऑब्वियसली खुशी विल नॉट सेंड हिम टू द बैनिशमेंट एट द फर्स्ट प्लेस। प्रियंका ने मेरा नाम लिया। I wanted to perform. कहीं ना कहीं मुझे पता था कि खुशी विल सेव मी। एंड स्कारलेट, अगर वो अश्विनी की बातें सुन के अगर ये सब कर रही है और अगर मेरे पीछे से अगर वो ये सब कर रहा है तो वो बचेगा नहीं। मेरे दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मेरे दुश्मन है। सब और मेरा कनेक्शन थोड़ा कम है। He doesn't make an effort. Like I don't see an effort from his side compared to the rest of the boys. सिलसिला में टॉस आज तक कौन जीतता है क्या बोलेंगे वो? देखकर आते शो तुम्हें पता चलता कौन सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। रिकॉर्ड है मेरा प्लिचिला के सीजन 5 में, अगर 12 टास्क में तो 12 के 12 टास्क में फर्स्ट या सेकंड आया हूँ। तुम्हें हीरे की परख नहीं है, वो तुम्हारी गलती है। ऋषभ और अभिषेक, आप दोनों जाते हो सीधा बैनिशमेंट जोन में। आज ये टास्क कपल्स का टास्क है। आप चारों लड़कों को एक एक लड़की को चुनना है जिसके साथ आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। मयंक, आपसे शुरू करते हैं। सारी लड़कियों में से आप किसको चुनना चाहते हो? मेरा गप्पू। मैंने जैकलीन को इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद पानी खींचने लड़कियों ने और कुछ करना नहीं। मैंने सबसे मोटे मोटे हाथ ले लिए। मयंक गांधी, हिना। हिना मंजूर, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो मैं नहीं चाहती थी किसी भी तरह से मयंक यहाँ से चला जाए, इसलिए मैं ही चाहती थी वो हिना के साथ जाए। अश्विनी, आई विल चूज संजना एंड डू द टास्क। मेरा स्कारलेट से ज्यादा संजना के साथ कनेक्शन है तो मैंने संजना को चूज किया था ओवर स्कारलेट। अश्विनी ने बोला कि आई एम चूजिंग संजना, मुझे थोड़ा दुख लगा। आयास, I'll choose Scarlett. मैंने Scarlett को चुन लिया था ये सोच के कि भाई she is more agile and swift. अगर दौड़ना भी होता वहाँ पे और कूदना भी होता तो भी Scarlett अच्छा परफॉर्म करती।
was like, क्या हो रहा है गेम में? Should I actually trust Ayaz anymore? इस कंपटीशन में लड़कों को एक ऑब्स्टिकल कोर्स पार करना है। एंड में अगर आप देख रहे हो तो एक कंटेनर है ग्लास का, उस कंटेनर में लड़कों को पानी भरना है। आपको पानी मिलेगा मेरे पीछे वाले कुएं से, और पानी निकालने में लड़कियां आपकी मदद करेंगी। लड़के, आपको पानी वहां तक ले जाना है मटकों में, मगर एक बात है, ये मटके ऐसे वैसे मटके नहीं है, इन मटकों में छेद है। जब पानी उन कंटेनर में एक लेवल तक पहुंच जाएगा तो पानी के अंदर एक बॉक्स है जो फ्लोट करेगा। जब पानी उस लेवल तक आ जाता है तो लड़कियां उस बॉक्स को खोलकर उसमें से एक रिंग निकालकर लड़कों को पहनाना। That ring is your token of love. So the girls are actually going to be saving the guys. इस कॉम्पिटिशन में दो लड़के जो फर्स्ट और सेकंड आएंगे वो सेफ होंगे, और बाकी के दो कंटेस्टेंट्स ऋषभ और अभिषेक के साथ बैनिशमेंट जोन में जाएंगे। The ladies who have not been chosen to be a part of this task, you ladies get to take water balloons and ऐसे फेंकना। Yes! हाँ, बस एक और बात है जो मैं बताना भूल ही गया। छोटी सी बात है। छोटी सी बात है। मटके आप नहीं उठाएंगे, लड़कियां उठाएंगी, और लड़कियों को आप उठाओगे। मैंने ये क्या करा तूने? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यार। एक बॉडी बिल्डर एक सुमो रेसलर को उठा के यार कैसे भागेगा? मैं 64 केजी हूँ, 110 किलो, सीरियसली यार। I was scared कि थोड़ा डिसएडवांटेज है, प्रियंका रहती तो शायद मेरे लिए बहुत आसान होता क्योंकि काफी हल्की है। तुमने मेरा नाम नहीं लिया, नाम भी साथ है। On your marks, set, go. Go. जब बकरे उठाए, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, छेद में से पानी निकल रहा है, जितना डालो उतना निकल रहा है। बैठ जाओ। सबसे पहले मैंने पानी भरा था, सबसे पहले मैं मयंक पवार पे बैठी थी। वो 110 किलो मेरे ऊपर इतना बड़ा उसका बम, सांस ही नहीं आ रही पहली बात। तो मटकों में था जी बॉस छेद, छेद से पानी निकलता जा रहा था एंड हार्डली दे कुड सी। वो जो मटका एरिया था वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो वो लॉग आता है लकड़ का, उसके ऊपर यार उस को लेके कैसे बैलेंस कर लोगे आप? वो बहुत मुश्किल था। दरिया में धूम, पहला स्टेप रखा, दूसरा स्टेप रखा, मैं गिर गया। खेलने का यार तो स्टार्ट लग गया। गोल गोल घूम, लहराते जाओ, आप बलखाते जाओ, आप लहराते जाओ, आप बलखाते जाओ, आप दिल में है, दिल में घूम जाओ। बहुत भारी है, बहुत भारी है। नील बेगी छोड़ दो ना यार। जब जैकलिन मेरे ऊपर से गिरी, गिरी क्या, मैंने गिरा क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही थी। सीरियसली यार, इतना मोटा बम्प और मेरी गर्दन उसने बीच दी। ठीक है, पहले तो मैंने गिर दिया, मैंने तू उतर तेरी ऐसी कि तेरी सांस तो नहीं अंदर। लॉग में जब आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो आपके कंधे के ऊपर जो वजन है उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे? मेरे लिए मयंक को जितवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आराम से, एक एक स्टेप आराम से ले भाई, टेंशन नहीं है, क्योंकि वन गाय जिसके साथ मेरा थोड़ा सा चलता था।
मयंक गांधी आगे निकल गया था मेरे से उस टाइम पे, तो मैंने जैसे तैसे चढ़ा, आई वॉज रियली फोकस्ड दैट आई हैव टू डू इट, और तुक्के से पार हो गया वो लोग एक बार ही। अश्विनी के लिए एडवांटेज ये था कि उसके कंधों पे संजना बैठी हुई थी, जो कि बैलेंस भी सही कर रही थी, मूवमेंट भी नहीं कर रही थी, शी वाज कीपिंग हरसेल्फ फर्म, कहीं ना कहीं वो एडवांटेज था। गाइस गाइस पे अटेंशन, ऑन द लॉग यू नीड टू टेक ओनली 3 स्टेप्स, देन यू कैन स्टेप ऑफ एंड रन, 3 स्टेप्स ऑन द लॉग। थैंक्स टू निखिल, उसने बोला कि 3 स्टेप मारो और उतर जाओ, नहीं तो मैं नहीं पहुंच पाता। कुछ ठीक था, वो टाइल इतनी थी यार, सब लंबे लंबे, मेरी हाइट छोटी, मुझे टांग भी नहीं पहुंची। उसने फिर से साइडवेज पूरा मुझे गिराया, फिर जैसे वो उठा उसने बोला यार तू बहुत भारी है, मैंने कहा था मुझे उठाने को, मैंने तुझे चुना है ना, अब उठा, क्या बॉडी बनाई है फालतू की। चार बार जैकलीन नीचे गिरी, बंदी को चोट नहीं लगी यार, मतलब हद बॉल होती है ना, बॉल नीचे गिरती है बाउंस करके ऊपर आ जाती है, तो दैट वाज द सीन। गिरूं तो बेइज्जती मेरी, उसके ऊपर बैठूं ना उठा पाए तो बेइज्जती मेरी, हारा तो बेइज्जती मेरी, सब कुछ मेरे ऊपर आ रहा था। जब मैं लॉक पे आया, फिर से लॉक पे अटका, दो बार तीन बार चौथी बार जाके लॉक पार हुआ, जैसे ही लॉक पार हुआ मेरी बहुत बुरी, माय हैंड स्टार्टेड टू पेन लाइक अ लिटिल बिट, देयर वाज लाइक स्टिंगिंग सेंसेशन, बट दैट वाज नॉट गोइंग टू स्टॉप अस, वी वर ट्रेल ब्लेजर्स। संजना वाज सो स्पोर्टिव, संजना वाज सो गुड, उसको फर्क नहीं पड़ा कि हाथ पे लगी है नहीं, कहीं पर भी लगी है, वो खड़ी हुई, वो भागी फटाफट, रॉड कुएं से पानी निकाला, फटाफट रॉड मटका भरा मेरे ऊपर बैठी, उसके बाद मुझे पता नहीं लगा हुआ क्या, मैं उसको उठा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, पहला पार करा, दूसरा पार करा, तीसरा पार करा, पानी अंदर, और हमारा इतना सा पानी रह गया था। मैंने कहा संजना भाग, दोबारा उठाया, फर्स्ट पार हुआ, दूसरा पार हुआ, तीसरा पार हुआ, पानी अंदर। अश्विनी के हाथ पे रिंग पहना दी, एंड दैट वाज माय टोकन ऑफ लव। पहला कपल चैलेंज था और वो मैं जीत गया था, वो भी संजना के साथ, एंड आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड संजना मोर देन एनीवन एल्स इन स्पिरिचुअल। एक्सर्ट कर लिया मैंने, आई थिंक फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सडनली समथिंग हैपेंड ऑन माय नेक एंड माय शोल्डर फ्रीज्ड एंड देयर वाज सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ पेन। आई आस्क्ड को शोल्डर पे कुछ इंजरी हो गई थी, आई वाज सो अपसेट, सो अपसेट। आयाज जी जो थे रोमांटिक हीरो एक्शन स्टार, वो फैल गए जमीन पर, और अश्विनी जो था वो टास्क खत्म कर चुका था, तो मेरे और मयंक पवार के बीच में ये जो सेकंड प्लेस का कंपटीशन था वो बचा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि मिस्टर एशिया जो है वो सामान इतना भारी है कि उसको संभाल पाना उनके लिए नामुमकिन हो चुका है।
मैंने बोला कि मुझसे नहीं हो रहा जैक की, तू बहुत भारी है यार, 110 किलो कम है तेरा, 20 किलो का मटका, ऊपर से चुसा हुआ आदमी, मुझसे नहीं हुआ, मैं गिव अप कर चुका था। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बहुत दर्द हो रहा, मैं थक गया हूँ, तू बहुत भारी है, मुझे काफी बुरा लग रहा था उसके, क्योंकि मैं भारी हुई। You can do it just once. Now stay focused. सनी आ गई, मैंने चल, अब तो तेरी इज्जत, स्ट्रेंथ, एंड्यूरेंस सबका परीक्षा, उसके बाद जो उठाऊंगा सीरियसली, जो एड्रेनलिन पंप हुआ है मेरी बॉडी में। बहुत मुश्किल से हिम्मत जता के पानी भरा उठी। हीना और हमारे पानी के बीच बस इतना सा डिफरेंस था, हीना का इतना पानी था और हमारा इतना लेस था। मैंने मयंक को बोला, मयंक हम ये कर सकते हैं। डल रहा था तो हर धार के साथ में ये एक फीलिंग आ रही थी कि हाँ अब मैं सेफ हो गया। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग विल के साथ उसने टास्क परफॉर्म किया, विच इज रियली कमेंडेबल। 125 किलो को आप अपने पीठ पे, आई मीन हैट्स ऑफ यार, ऐसी थोड़ी मिस्टर इंडिया और मिस्टर एशिया बन गया। आयाज और मैंक पावर, आप दोनों ऋषभ और अभिषेक के साथ बैनिशमेंट जोन में हो। सो द क्वीन गेट्स टू चूज वन ऑफ यू to be sent to banishment. But usse pehle, I would like the girls to choose one boy to save. Maine inko waqt be waqt bachaya hai. To main sure tha ki ladkiyan mujhe save kar lengi. Sabse pehle Ayaz, Rishabh, Mayank Pawar. मयंक, लगता है कि आपका कनेक्शन सिर्फ पूजा से ही नहीं है। There are a lot more ladies in the house. I want to get to know you. You're a sweetheart. सब उसको बहुत प्यार करते हैं। Very furious. मैंने सोचा नहीं था कि जिन लड़कियों को मैंने बचाया है, वो मेरा नाम नहीं किसी और का नाम लिखेंगे। खुशी, who do you banish today? I banish Trishab. My question was like, why him? I was like very, very disappointed. Trishab. आप स्पिरिचुअला से बाहर हो मगर गेम से बाहर नहीं। ये गेम सिर्फ कनेक्शंस में नहीं जीत सकते हो, टास्क बहुत करना बहुत जरूरी है और ऊपर से यू नीड टू नो द गेम। सो आई थिंक मुझे गेम मालूम है कैसे जीता जाता है। He was trying to play games with me, जो शायद गेम खेलते खेलते वो ये चीज भूल गया कि डूड सामने वाली भी एक प्लेयर हो सकती है। Guys, beware and be aware, because I'm coming back. अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ था जबकि मेरे और ऋषभ के कनेक्शन बढ़ने शुरू हुए थे, तभी उसी को जाना पड़ गया बैनिशमेंट जोन। But right now,
It's time for you to head out and into banishment. I never had a proper conversation with him till late. And nor did he make an attempt to make a conversation. So obviously, I'd happy play. Rishabh banished ho ke chala gaya. And so ends another chapter in this fairy tale romance. ये है किलर एमटीवी स्प्लिट्स फिल्म सीजन 7 राजस्थान. सनी एंड आई विल सी यू सून. अब तो आ गया तेरे बम में लात पड़ा और तू उलटते 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 गया बाहर. मैंने एक्सपेक्टेड नहीं था. ऋषभ ने गलती कर दी ना, उसने एकदम से ओपन कर दिया कि मैं अब उन्नति के साथ हूँ, तो उससे सबको दिक्कत आज हो. मतलब ऋषभ को इतना तो पता चल गया ना, उसने जिनको सपोर्ट किया था आज वो उनके साथ नहीं है. मैं वही सोच के बैठी हूँ कि उसका कमबैक होगा, बहुत ही जल्दी होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. अर्ली मॉर्निंग नगाड़ा बजा और मोबाइल पे निखिल का मैसेज आया सबके लिए. स्प्लिट्स फिल्म्स, गेट रेडी फॉर योर पटाते रहो सेशन. बॉयज फाइंड योरसेल्फ टू गर्ल्स दैट यू आर कंपैटिबल विद एंड गेट देम अलोंग टू मीट सनी एंड निखिल एट द पैलेस कोर्टयार्ड. गर्ल्स, मेक श्योर यू हैव अ पार्टनर और एल्स द डेंजर अवेट्स यू. हम सब लोग लड़कों के पास गए. We actually begged them to select us कि प्लीज हमको सिलेक्ट कर लो. अभिषेक 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 बहुत पेन कर रहा है मेरा शोल्डर थोड़ा सा. भगवान तुझे अच्छा पार्टनर. मुझे ले ले भाई, मैं तेरी कमर करवाती हूँ. मैं तेरी मोटी ऑलरेडी हो गया. चलो या तो मक्खनबाजी हो गई, आगे चल के और मक्खनबाजी करते हैं. सोफा सेट को बाहर करो, आज बाहर करना है फर्नीचर सबसे पहले. बेसिकली विला के सब लड़के यही चाहते हैं कि अपूर्वा और जैकलीन को धक्के मार के निकाल दिया जाए. एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज अब गेम में अब्यूज कर रहे हो, गंदी गंदी गालियां दे रहे हो, व्हिच आई वोंट एक्सेप्ट. देखो मैं तुझे और किसी को आदमी कोई बोले भी तो मना कर देना. अश्विनी ने मुझे बोल रखा था कि मैं उसकी फर्स्ट चॉइस हूँ, बट टोकन ऑफ लव चैलेंज में मुझे चोट भी लगी. डॉक्टर्स ने कहा कि फॉर वन मंथ आई कैन नॉट परफॉर्म एनी फिजिकल टास्क. मुझे apprehensions थे, but I felt that I could handle it. आयाज और मेरा तो बहुत ज़्यादा interaction हुई थी, तो मैंने convince करने की try नहीं की उन्हें. Looking beautiful today. Thank you. पटाते रहो है तो had to be. आप कुछ कहना चाहती हैं? पूछना चाहती थी कि इसके साथ पैर बोल रहे हो. तो बताओ कि मेरे दिमाग में वो दो नाम क्या होंगे? एक तो मेरा है, but obviously. बाप रे, क्या बात है. She's fun, she's very sweet. And I really like her as a person. Do I realize that no, ye ladki hai jiske saath main sirf game ke bare mein nahi, game ke baad mein bhi soch sakta hu ki, you know, I can really be with her. So I think I have the best in the lot. Excellent. Yes. Welcome to your patate raho se. आपको बताया गया था कि हर लड़के को दो लड़कियों के साथ पेयर अप करना. And the one young lady who will not be picked today, it's very bad news for you. So hope and pray that you get picked today. Who would you like to start with? Abhishek. I'll go with Palak and Savita. You tell me, whom are you in good terms with? Savita. Ayaz.
प्रियंका एंड उन्नति। अश्विनी, आई विल चूज संजना एंड स्कारलेट। मैंने नोटिस किया दैट आप और संजना बोथ क्लोज थे। इन अ शो लाइक दिस, वुड यू लाइक टू टेक दिस गेम ऑल द वे टू द एंड विद संजना? अगर ये मैं शो जीतता हूँ, अगर जीतता हूँ तो मैं सिर्फ संजना का जीतता हूँ। Yes. आपको मालूम है that these two have a connection. How does that make you feel? कबाब में हड्डी। I love that phrase, by the way. Since Ditsula, Ashmi is the only boy I connect with. So you really are a love triangle. Ashmi, Sanjana और मेरा situation बहुत complicated हो गया था क्योंकि Ashmi और मेरा भी connection बहुत अच्छा था और Sanjana का connection सिर्फ दो दिन से हुआ था। Mr. Asia, Mayank Pawar. आपके सामने तीन लड़कियां हैं, जैकलिन, अपूर्वा और पूजा। मैं चाहता हूं कि आप उस लड़की का नाम लो जिसके साथ आप पैर अप नहीं होना चाहते। जैकलिन। इस सोफा सेट को बाहर करो आज। बाहर करना है फर्नीचर ना। सबसे पहले जैकलिन, अनफॉर्चुनेटली आप इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले पाओगी, आप जाती हो सीधा डंपिंग जोन। इस कॉम्पिटिशन का नाम है स्प्रेमेंट Awesome threesome. Awesome threesome. Sounds very interesting, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा कि आप सोच रहे हैं, don't get naughty. इस कॉम्पिटिशन को कम्प्लीट करने के लिए तीन लोगों की जरूरत है और एक बहुत ही साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। और वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ढेर सारे गुब्बारे। आपके पीछे जो ग्रीन बॉक्स है उसमें रखे जाएंगे। बलून्स को एक एक करके वहां से लेकर इस बिन में डालना है। तीनों कंटेस्टेंट्स को बलून के साथ कॉन्टैक्ट रखना है। Without your hand. ऐसे। Okay, we're gonna show you how it's done. Split villains. Yes. Your marks. काफी फन था, वो तो एंजॉय कर ही रहे थे। साथ में एक सर्कल बना के कैसे एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी मैच करके कदमों से कदम मिलाकर जो है बास्केट तक पहुंचना, तो काफी तालमेल जो थी फास्ट थी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द टास्क वॉज द गर्ल्स वॉकिंग इन द हील, क्योंकि गर्मी इतनी थी चप्पल उतार नहीं सकते थे, हील में चलना था और साथ में चिपक के चलना था। कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे ना मुर्गियां को ना एक साथ दरबे में छोड़ देते हैं ना और ऐसे दरबा खोलते हैं ढाक और सब फट फट कर। कभी मुंह यहाँ पे लग रहा है, बलून कहीं और जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं। बलून को बास्केट तक ले जाने का जो प्रोसीजर था वो बहुत ऑसम था, इंटरेस्टिंग था। पहली बार मैंने मयंक पवार के साथ टास्क किया, बहुत अच्छा लगा। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला। अब इस टास्क के अंदर पूजा दी सामने तो घंटी गया, वैसे सब कुछ बज रहा था मेरा। इश्क वाला फर्स्ट टाइम इतने करीब आ रहा था, मैं होना नहीं चाहता था वो मौका। आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला। प्रियंका थी मेरे साथ और पहली बार इतना अच्छा मौका मिला था कि इतनी प्रॉक्सिमिटी आ गई थी यार। आई वाज रियली लाइकिंग इट। आई मीन चलो ठीक है फॉर अ टास्क ओनली, बट वी वर हगिंग इच अदर। जाके बादलों की जाली, मुझे लगा कि एट सम पॉइंट अगर इफ एवरीबॉडी कुड जस्ट लाइक पैक अप एंड गो होम एंड जस्ट लीव अस देयर विद द बलून्स, आई वुड हैव अ गुड टाइम। वहाँ पे उस टाइम इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू बैलेंस द बलून बिटवीन थ्री ऑफ अस। बहुत मुश्किल था, कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत थी उस टाइम पे। बाकी लोग कर पा रहे थे बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि
हर किसी के हाथ में फ्रैक्चर नहीं था, संजना के हाथ में था, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी करते हुए टास्क। At some point, I think I bumped my shoulder and दर्द होने लग गई आर्म में, तो उसके बाद मैं इमोबाइल सी हो गई, इट kind of got locked my entire shoulder, तो मैं हिल नहीं पा रही थी and I had to give up because I did not want to ruin my condition further. 30 seconds to go. बहुत मजा आया हम लोगों को एंड देन इट केम ऑन द रिजल्ट स्प्लिट विलेंस यस द फाइनल काउंट वाज विद सनी एंड मी। आपके रिजल्ट अनाउंस करने से पहले लेट्स कॉल स्प्लिट विलेंस किंग एंड क्वीन। Going? Yeah. Hi, Sam. Hi. Okay. Time for the scores. The first place is between Ayaz's team and Mayank Pawar's team. That is Ayaz. Ayaz, aap tino safe. Thank you. The best part was my Priyanka was safe. Safe in the game. For the longer run, for the longer journey. Zyada waqt bitane ke liye. Baaki ke ladke. Aapko ek ladki ko safe rakhna hai. Apne team se. Aur apne team se ek ladki ko dumping zone mein bhejna hai. पवार आपसे शुरू करते हैं। अपूर्वा और पूजा के बीच में आप किसे स्प्लिट्सविला में सेफ रखना चाहते हैं? ऑब्वियसली पूजा, बट ऑब्वियसली अभी मेरी बात स्टार्ट हुई है, सीरियसली मैं पूजा के बिना कोई ना दूजा। अपूर्वा चली गई, जैकलिन ऑलरेडी वहाँ पे थी, इनका कनेक्शन यहाँ पे किसी के साथ भी नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि हम गंध को मुंह नहीं लगाते। अभिषेक, यस, आपकी बारी। पलक वाज माय फर्स्ट चॉइस, सो सविता आई एम रियली सॉरी टू मेक अ चॉइस। उसने पलक को चूज करके मुझे शायद वो इनसिक्योर फीलिंग दे दी कि मे बी इन फ्यूचर ही माइट गेट कनेक्टेड टू हर। अदर टाइम वक्त बिताया गया है वो राशि के साथ है और हिना के साथ कम, तो कनेक्शंस के बेसिस पे सॉरी गो विद द फ्लो। मेरे कनेक्शन के आगे कोई भी आएगा मुझे उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। श्रवण, जिन लड़कियों के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग है वो एक एक करके वहाँ पे डंपिंग जोन में जाए। प्लानिंग प्लानिंग, इट्स अ प्लानिंग। जब तक किंग नहीं बना था वो तब तक सब उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, आज वो किंग बन गया है तब उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया। जो किया उसने वो गलत है। लेट मी फिनिश प्लीज, गिव हिम आउट शॉट। आई डोंट रिस्पेक्ट हिम बिकॉज़ ही डोंट रिस्पेक्ट एनी वुमन ओवर हियर। ट्रू ब्रो, विद यू। इस दरबार के अंदर हमारे राजा जी उठा के किसी ऊपर क्लेम मार रहे हैं। हम देखा ऑब्वियसली अपूर्वा और जैकलीन ने बहुत बदतमीजी करी वहां पे, बहुत गालियां दी। गाइस, यू आर शोइंग योर बैकग्राउंड, आप कहां से आते हैं? सिर्फ फुटेज के लिए, सिर्फ टीवी पे दिखने के लिए आप चीप ट्रिक्स मत यूज करो। क्या सही था, क्या सही था, ओए क्या सही था,
जो उसने बोला क्या सही था? मुझे लगा बोल Jacqueline, let's just get this clear. अगर आपको नाम नहीं लेना है, तो आपने देखा क्या? I've seen it with my eyes. Come on, I can't smooch guys out here. I can't go in the staircase. Pinpoint. यार तो pinpoint कर ना. It's Ashwin. It's Ashwin. Last night हमने ऐसा देखा. हमने और Jacqueline ने साथ में देखा. किसको? Ashwini and Sanjana. अपुर्वा सीधा love. सीधा कौन? जैकलिन और अपूर्वा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर संजना और अश्विनी के बीच में बात बढ़ रही है एंड दे फील लाइक किसिंग ईच अदर, दे आर एडल्ट्स, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अश्विनी, क्या बारी आपकी है? संजना और स्कार, इट्स बैड ऑन स्कारलेट एंड No, listen to me. Look at me, stop. It does not make any sense कि आप मुझे चूज करो और आप अपने पूरे आगे के गेम को सैक्रिफाइस करो. He is not going to pick Scarlett and I am indisposed for the next month. अगर मैं टास्क नहीं कर पाऊंगी तो मुझे लगता है कि I should quit the game. There is. You go. We did one task together, and we killed it. It was. Nailed it. You need to keep that spirit up and. But if you go, you can nail it. How can you? Ashwin loves Sanjana, but I love you. With him. That's logical, you love. Respect. I don't want to be the office. I can't see myself connecting with any of these guys. Yeah, they're my friends, but I can't really connect with them. I can't have chemistry with them. कुछ कुछ होता बन गया था वहाँ पे, और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. लव केमिस्ट्री बहुत ओपनली सब लोग देख रहे थे, काफी बुरा भी लग रहा था, आंसू भी आ गए. Whatever we have, it's very pure, and we are not faking it anyway. If I really want to win Switzerland, Sanjana is the one. Scarlett was in love with Ashwini, and Ashwini loved Sanjana. So there was a triangle. तो एक किसी ना किसी का तो दिल टूटना ही था. Ashwini, तुम किससे चूज करोगे? प्यार करते हो या फिर उसे जो तुम्हें प्यार करती है?